हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर इंडिया पे। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा बीम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन की। फ्रेंड, जैसा मैं बता दूं, मैंने क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे एक सीरीज शुरू की है, जिसमें फ्रेंड मैं डिप्लोमा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आता है। तो देखिए फ्रेंड, उसमें जो पहली यूनिट थी स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, फ्रेंड उसकी मैंने थ्योरी पोर्शन सारा कंप्लीट करा दिया है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो डिप्लोमा का सिलेबस, उसमें जो दूसरा यूनिट है फ्रेंड, वो बीम के रिलेटेड है और फ्रेंड आज से मैं वो शुरू करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूँगा बीम के बारे में और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो सो फ्रेंड, सबसे पहले ये समझिए आपकी बीम होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू पहले आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड, इस चैप्टर में आपको पूरे कुछ इसी तरह के डायग्राम देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो फ्रेंड नीचे की ये जो बीच वाली लाइन है ना फ्रेंड, इसी को हम बीम कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम बीम कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसके ऊपर वाली जो ये W1 है, ये W2 और फ्रेंड ये W3 होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड, ये ऊपर की तरफ से ये आपको कुछ इस तरह के एरो दिखाई देंगे। तो फ्रेंड ये हम आप समझ जाइएगा कि हमेशा ये क्या कहते हैं, ये बीम है और बीम के ऊपर ये लोड अप्लाइड हो रहा है। ऊपर की साइड से फ्रेंड हमेशा ये लोड अप्लाइड होगा, जो फ्रेंड ये W1, W2 और W3 की फॉर्म में आपको शो होगा। और फ्रेंड देखिए, ये नीचे से फ्रेंड इस लोड को मैनेज करने के लिए हम कुछ सपोर्ट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये नीचे के साइड से हमेशा अगर एरो के थ्रू आपको कुछ दिखाई देगा तो फ्रेंड वो सपोर्ट होगा। और फ्रेंड जो बीच में जिस पे क्या कहते हैं लोड और सपोर्ट दोनों एक्ट करेंगे फ्रेंड, उसी को हम बीम कहते हैं। तो फ्रेंड ये तो बात हो गई, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसके बाद देखिए, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ कि क्या कहते हैं बीम क्या होता है। अ बीम इज एन स्ट्रक्चरल एनिमेट दैट प्राइमरी रेजिस्ट लोड्स अप्लाइड लेटरली टू इट्स एक्सिस। मतलब फ्रेंड, एक बीम जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, जिस पर फ्रेंड हम लोड को क्या कहते हैं लेटरली अप्लाइड करते हैं उसकी एक्सिस पर। जो फ्रेंड आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि इसकी जो एक्सिस है उस पर जो लोड है वो अप्लाइड हो रहा है, और नीचे के साइड से उस लोड को मैनेज करने के लिए हम सपोर्ट भी लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं समझा सकूँ कि क्या कहते हैं ये जो ऊपर के साइड से लग रहा है ये लोड है, और जो नीचे के साइड से लग रहा है ये सपोर्ट है, और जिस पर ये दोनों एक्ट करते हैं उसी को फ्रेंड बीम कहा जाता है। इसके बाद देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बीम की क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करते हैं, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड आता है कैंटिलीवर बीम। इसको कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा बीम है जिसका एक एंड फ्री होता है और दूसरा फिक्स होता है। मतलब फ्रेंड्स, ये ऐसा बीम होता है जिसका एक एंड फ्री होता है, दूसरा फिक्स होता है। देखिए इस तरह का कुछ इसका डायग्राम बनेगा। ये देखिए यहाँ पे जो हैचिंग आपको मतलब इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड ये जो एंड है इसका फिक्स है और दूसरा वाला फ्री है। तो ऐसा जो बीम होगा जो क्या कहते हैं एक तरफ से फिक्स होगा और दूसरी तरफ से फ्री होगा, उसे हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे। इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कैंटिलीवर बीम इज अ बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। मतलब एक एंड उसका फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है। इसके बाद देखिए दूसरी क्लासिफिकेशन जो आती है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, तो देखिए अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज वन हुज एंड्स फ्रीली रेस्ट ऑन वॉल्स। मतलब फ्रेंड्स, ये ऐसे बीम होते हैं जिसके क्या कहते हैं एक जिसके जो एंड्स होते हैं वो फ्रीली रेस्ट करते हैं किसी भी वॉल पे। ये देखिए फ्रेंड, इन दिस केस द रिएक्शन आर ऑलवेज अपवर्ड। इसमें देखिए फ्रेंड, जो रिएक्शन होती है ना वो ऑलवेज अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ से होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। ये जो फ्रेंड ये बीम होता है, क्या कहते हैं इसके जो एंड्स होते हैं ना, ये जो एंड्स ए और बी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ना क्या कहते हैं वॉल पे क्या कहते वॉल पे लाई कर रहे होते हैं। मतलब ये वॉल के थ्रू मतलब ये स्टैंड करता है ये बीम, और जो इसके रिएक्शन होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ से लगता है। तो मतलब फ्रेंड, ऐसे बीम जिसका जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसका क्या कहते हैं एंड्स फ्रीली किसी भी वॉल पर रेस्ट कर रहा है और उसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ से लग रहा है, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। मतलब इसको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो वॉल के थ्रू इसे मिलता है। तो फ्रेंड, अब देखिए आगे की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तीसरा जो होता है इसमें ओवरहैंगिंग बीम होता है। तो देखिए ये क्या होता है, एन ओवरहैंगिंग बीम इज़ वन इन विच द सपोर्ट्स आर नॉट सिचुएटेड एट द एंड्स। देखिए फ्रेंड,
ये जो ओवर हैंगिंग बीम होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो आपको ये लास्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका कोना और इस तरफ इसका कोना, यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट है ना, कोने पर नहीं लगता, मतलब एंड्स पर नहीं लगता, ये सपोर्ट बीच में कहीं लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके डायग्राम के थ्रू दिखाया, ये सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है ये फ्रेंड, ये जो एंड्स है ना इसके, यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लगा हुआ था। मतलब फ्रेंड ऐसे जो क्या कहते हैं बीम होते हैं जिन पे जो सपोर्ट होता है एंड पे नहीं लगा होता बल्कि बीच में लगा होता है, उन्हें कहते हैं फ्रेंड हम ओवर हैंगिंग बीम। तो फ्रेंड ये हो गई ओवर हैंगिंग बीम की क्लासिफिकेशन। इसके बाद आगे देखिए जो फ्रेंड चौथे नंबर पे आता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होता है, देखिए अ फिक्स्ड बीम इज़ वन हुज बोथ एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड और बिल्ड विद सपोर्टिंग वॉल्स। मतलब फ्रेंड ये ऐसे बीम होते हैं जो क्या कहते हैं रिजिडली फिक्स्ड होते हैं या फिर बिल्ड किए जाते हैं क्या कहते हैं सपोर्टिंग वॉल्स के। मतलब फ्रेंड जो इसके दोनों एंड्स होते हैं ना, ये वॉल्स के अंदर क्या कहते हैं फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये कैंटिलीवर बीम जो मैंने आपको ऊपर समझाया था उसमें उसका एक एंड फिक्स होता है, और जो फिक्स्ड बीम होते हैं ना आपको इस तरह से याद रखना है कि उसके दोनों एंड जो पूरी तरह से फिक्स्ड होते हैं किसी वॉल के अंदर। तो देखिए फ्रेंड जो इस पर लोड होता है ऊपर की तरफ से लगता है, और जो इसके दोनों एंड होते हैं वो क्या कहते हैं फिक्स्ड होते हैं पूरी तरह से किसी भी वॉल के अंदर। तो फ्रेंड ये हो गई फिक्स्ड बीम की बात। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो पाँचवा आता है कॉन्टीन्यूअस बीम, ये क्या होते हैं ये देखिए, अ कॉन्टीन्यूअस बीम इज़ वन विच हैज़ मोर देन टू सपोर्ट्स। तो फ्रेंड जो कॉन्टीन्यूअस बीम ऐसे बीम होते हैं जिस पर दो से ज़्यादा सपोर्ट लगा होता है। देखिए फ्रेंड इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए, ये कॉन्टीन्यूअस बीम है, देखिए फ्रेंड इसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट है, एक दो तीन चार, फ्रेंड इसमें चार सपोर्ट लग रहे हैं। मतलब ऐसे बीम जिस पर दो से ज़्यादा सपोर्ट लगे उसे हम फ्रेंड कॉन्टीन्यूअस बीम कहते हैं। तो फ्रेंड आज मैंने आपसे बात की बीम क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड मैं अगली आपसे आने वाली जो मेरी वीडियोस उसमें मैं और इस बीम के चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।